सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय गार्डन। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम जास्मिन प्लांट की केयर कैसे करें। जास्मिन प्लांट की केयर इतनी ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, पर थोड़ी सिंपल भी है, पर ज़्यादा करके थोड़ा हार्ड ही समझो आप, क्योंकि इसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और इसमें अभी मोगरा भी जास्मिन फैमिली में ही आता है, तो मोगरा नहीं है पर यह अलग प्लांट है, पर ये जास्मिन ही है, पर जास्मिन जाति का ही है। इसकी हम केयर कैसे करें वो सीखेंगे। इसकी केयर बहुत इजी है, मतलब इतनी भी इजी नहीं है, पर इजी हम लोग जो भी करना स्टार्ट किया वो हमको इजी ही लगता है बाद में। तो ना सबसे पहले मैं इसमें क्या करता हूँ है कि मैंने कल ये 4 इंच के गमले में था, तो मुझे क्या लगा कि 4 इंच का गमला इसके लिए बहुत छोटा पड़ रहा होगा, तो मैंने इसको मैं 12 इंच के गमले में लगा दिया। आप देख सकते हो इसके अंदर अच्छे ड्रेनेज सिस्टम भी बना दी। इसके नीचे इतने 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 पत्तों की, मतलब ये पत्ते होते हैं ना हम लोग के, तो वो सूखे हुए पत्तों ऐसे तोड़ तोड़ के इतना डाल दिया, मतलब वो जिसके डिकम्पोज होते होते ऊपर सब वो हिस्से रहेगा। और इसको मैं फर्टिलाइजर कौन सा देता हूँ, एग सेल फर्टिलाइज़र, बनाना पील फर्टिलाइज़र, चाय यूज हुई चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र, कॉफ़ी का लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐसे, और मतलब ऑनियन पील फर्टिलाइज़र, और अलग अलग ऐसे मैं फर्टिलाइज़र डालते रहता हूँ। तो इससे क्या होता है, ये प्लांट पे अच्छे से ग्रो करता है, वो फिट करेगा बताया था वो, इसका फर्टिलाइज़र देता हूँ। कभी कभी तो मैं अपना ये स्प्रे भी मारता हूँ, नीम ऑयल नहीं तो सोडा स्प्रे, तो ना ऐसे अलग अलग स्प्रे में मारते रहता हूँ। तो इससे क्या होता है कि मेरा प्लांट बहुत ऐसा अच्छे से बढ़ रहा है। आप देख सकते हो कितना बड़ा प्लांट हो गया है। इसकी प्रूनिंग भी करना पड़ता है, क्योंकि इसकी प्रूनिंग भी करनी पड़ती है, क्योंकि सेमी वाइन प्लांट है, तो इसकी ये बेल होता है, ये प्लांट नहीं होता, तो इसकी हमको प्रूनिंग करनी पड़ती है टाइम टू टाइम। मैं इसके 4 महीने में एक बार प्रूनिंग करता हूँ। अब इसका टाइम हो गया प्रूनिंग करने का, मैं आपको अगले वीडियो में इसकी प्रूनिंग करना भी बताऊँगा। कभी भी प्लांट को ना एक ही फर्टिलाइज़र मत दे। हम लोगों ने कभी भी प्लांट को एक ही फर्टिलाइज़र दिया ना, तो क्या होता है कि प्लांट बोर हो जाता है एक एक ही फर्टिलाइज़र ले लेके, तो फ्लावरिंग अच्छे से नहीं करता। तो मैं कैसे अलग अलग कुछ ना कुछ अलग अलग देख देख के सीख सीख के ऐसा इसको अलग अलग दे देता हूँ। बाजू वाले ने कुछ यूज़ किया तो मैं पहले उसमें मैं यूज़ करके देखता हूँ, फिर मैं वो मुझे अच्छे से रिजल्ट मिला तो फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं कुछ ऐसी डायरेक्ट आपके साथ शेयर कभी नहीं करता, पहले खुद करके देखता हूँ फिर ही शेयर करता हूँ। कभी कभी मैं नेट से सर्च मारता हूँ कैसे हम फ्री फर्टिलाइज़र बनाएं, कैसे ये करें, कैसे वो करें, ऐसा सीख सीख के फिर आपको मैं पहले ट्राई करता हूँ फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इसकी केयर ऐसे ही करें, और इसको ड्रेनेज सिस्टम इसकी बहुत अच्छी होती है। इसका फ्लावरिंग टाइम होता है मार्च में शुरू होता है, मार्च अप्रैल में ऐसा शुरू हो जाता है, और स्प्रिंग सीजन में इसको ग्रोथ हमको इसको काटना पड़ता है ग्रोथ होने के लिए, और फिर मार्च टू नवंबर तक ये फ्लावरिंग देती ही रहता है। अभी दिसंबर स्टार्ट हो गया, इसमें मुझे फ्लावरिंग इस बार नहीं दी, क्योंकि इस बार मैंने इसको कौन सा भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया, क्योंकि इस बार मेरा सबका सब प्रॉब्लम ही हो गया था। पिछले साल इसने बहुत अच्छे दी थी मुझे फ्लावरिंग, इस बार इसने सिर्फ मुझे जून तक ही फ्लावरिंग दी, उसके बाद नहीं दी है, तो मुझे कुछ नहीं है। अभी इसका ग्रोथ भी तब स्टॉप हो गया था, तो मैंने इसको अभी बड़े गमले में लगाया और फुल धूप में रखा है, क्योंकि मैं तब फुल धूप में नहीं रखता था। अभी इसको मैं फुल का फुल धूप, मतलब पूरे दिन की धूप में इसको दिखाता हूँ। तो इससे क्या होता है, ये प्लांट अभी अच्छे से बूसी और अच्छे से बढ़ भी रहा है। तो ऐसे ही कीजिए, इसका फ्लावरिंग टाइम और इसका कटिंग लगाने का टाइम अभी परफेक्ट चल रहा है, मतलब दिसंबर एंड तक इसकी कटिंग लगाई जाती है। मैं भी इसमें इसकी कटिंग लगा दूंगा, जो भी काट दूंगा वो, क्योंकि इसकी अभी कटिंग का टाइमिंग स्टार्ट हो गया है, क्योंकि इसको कटिंग से ही ग्रो होते हैं, इसके सीड्स नहीं होते मेरे मुकाबले, तो मैंने तो कभी देखे नहीं है। इसकी कटिंग्स का टाइम अभी परफेक्ट इसका कटिंग का टाइम चल रहा है, क्योंकि इसकी कटिंग मतलब दिसंबर तक लगाए तो मार्च तक इसको कटिंग को फ्लावरिंग आना भी स्टार्ट होती है, इसलिए अभी परफेक्ट टाइम है। आप ज़रूर इसकी कटिंग भी लगा देना प्रूनिंग करने के बाद। ओके, अभी कटिंग का टाइमिंग बताया, अभी वाटरिंग का टाइमिंग आप रखिए 4 बजे का, फर्टिलाइज़र का टाइमिंग 4 बजे का, मैं सब का सब 4 बजे ही करता हूँ। तो 4 बजे करने से क्या होता है, 4 बजे एकदम भीनी भीनी सी धूप भी होती है, और मतलब ह्यूमिडिटी भी होती है और ठंडक भी होती है, उससे क्या होता है प्लांट एकदम
अच्छे से एब्जर्व करता है, मतलब कुछ भी वेस्ट नहीं जाने देता है, सब का सब अपने मिट्टी में अच्छे से एब्जर्व करता है। तो उससे क्या होता है कि अपने प्लांट्स अच्छे से बढ़ते हैं। अभी कुछ हम लोगों ने इस पर स्प्रे मारा, तो स्प्रे मारने से भी क्या होता है कि इसको ठंडक मिलती है रात भर के लिए, तो इसका फ्रे अच्छे से इसमें एजुमेंट है। तो ऐसे ही 4 बजे ही सब में वाटरिंग भी 4 बजे ही करता हूँ, क्योंकि ठंडक होती है, धूप भीप से वो मिट्टी उसकी सूख गई होती है, तो 4 बजे की वाटरिंग से, मतलब मैं बोलता हूँ क्योंकि जो भी वाटरिंग स्प्रे भी सब 4 बजे ही किया करो, कभी 4:30-5 ऐसा भी कर किया तो चलता है, पर परफेक्ट 4 को ना इसका बहुत अच्छा है होता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी भी होती है ठंडी में, ह्यूमिडिटी भी होती है और ये भी होता है, और मिट्टी भी उसको थोड़ी सी गर्म होती है, तो उससे क्या होता है कि अच्छे से एजिम पूरा अच्छे से हो जाता है। पर और एक बता, इसको कभी भी, मतलब कौन से भी प्लांट को कभी भी ना आपको फर्टिलाइजर देना होता है ना, कभी भी सूखी मिट्टी में कभी ना दे, क्योंकि सूखी मिट्टी में आपने दिया ना तो इसके रूट्स ना गल सकते और मर जा सकते हैं पौधा, क्योंकि पहले से इसको प्यास लगी होती है, उसमें से हम लोग ने उसको फर्टिलाइज़र दे दिया, तो उसको प्यास के जगह डायरेक्ट उसको दवाई मिलती है, तो दवाई से क्या होता है फिर वो उसके रूट्स भी सब गल जाते हैं। तो आप ये एक ध्यान रखें, और दूसरा कि इसको ज़्यादा बढ़ने मत दे, इसकी पौधा बनाए, इसको बेल नहीं बनाओ, क्योंकि इसको जितना आप बेल बनाओगे ना, बेल आपको है बहुत बड़ी जगह तो आप बेल ज़रूर बनाए, पर मेरे जैसे आप मतलब टेरेस गार्डनिंग कर रहे होगे तो इसकी बेल हमको नहीं चलती दोस्तों, तो इसको पौधा बनाए। मैं सब अपने बेल का पौधा ही बनाता हूँ, सिर्फ मेरे जुई की बेल है उसको मैंने बेल रहने के लिए दिया, पर वो बेल भी अच्छे से बढ़ती है। पर मेरा तो मानना है कि इसको आप ना दे, इसको आप काटते रहे और एक भूसी प्लांट बनाए, मतलब इधर सब ऐसा इधर सब बच गया है, इधर कटिंग्स लगाए, इधर कटिंग्स लगाए इधर ऐसा करके पूरा ऐसा भूसी प्लांट्स बना ले, मतलब और इसको काटने से भी इसके एकदम अच्छे से हेल्थ अच्छी रहती है। आप ऐसे ही इसको करें कभी, और इसको अभी हम ना वेस्ट फर्टिलाइजर कौन सा दे, मतलब जो भी हम लोग के किचन वेस्ट आता है, तो मेरी वीडियो चल रही है उसके ऊपर, मेरी वीडियो चल रही है कि हम इसको मतलब जल्द से जल्द हम इसको फर्टिलाइज़र कैसे करें इसको, मतलब सभी प्लांट्स के, तो वो जल्द से जल्द मेरी वीडियो आ जाएगी। और मैंने ऑनियन पील फर्टिलाइज़र का भी बताने वाला हूँ मैं आपको, तो ऐसे अलग अलग फर्टिलाइज़र मैं आपको बताते रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, ऐसे ही मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे आपको समझो मेरे ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आपको कुछ और आइडियाज़, आपको कुछ और मुझसे क्वेश्चंस पूछने होंगे, क्वेरीज होंगे, वो सब मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, बाय बाय।